केजरीवाल ने फ्री फ्री करके सर दिल्ली लूट मारी। 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लिए उसने ठेके वाले से। शराब वाले में 100% घोटाला है। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे वहाँ स्मैक की चर्सी बैठे होते हैं। सर ये सत्ता का अभिमान बोल रहा है और अभिमान तो कभी किसी का रहा ही नहीं है। अब ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, क्या इम्प्रेशन है लोगों का, क्या वाकई घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। 1% हुआ है, एक नंबर का चोर है केजरीवाल जी। ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल हुआ है? तो एक बात बताइए, अगर घोटाला नहीं होता तो CBI क्यों रेड मारती और उसके बाद आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? अब वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपये में हमारा आदमी खरीद रहे हैं, तो सबूत तो दो कि किसका फ़ोन आया, किसने मैसेज करा। केजरीवाल ने फ्री फ्री करके सर दिल्ली लूट मारी। ये तो BJP बचा रही है हमें, नहीं तो केजरीवाल तो मुरवा दे कब का, इस बार नहीं आता केजरीवाल। वो अभी एक लड़की को परसों वहाँ गोली मार दी गई, वहाँ तो पहुँचे नहीं केजरीवाल सिसोदिया जी, और उन्नाव पहुँच जाते हैं, UP पहुँच जाते हैं, कहीं किसी को 1 करोड़ किसी को 2 करोड़। क्या हिंदू के बच्चे हिंदू नहीं है? सिर्फ मुसलमान के बच्चे होंगे, मुसलमान का आदमी होगा तो जाके वहाँ राजनीति करेंगे वो। हिंदू का बच्चे को कोई गोली मार दे, कुछ भी कर दे, जिंदा जला दे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे वहाँ स्मैक की चर्सी बैठे होते हैं, कोई डॉक्टर का नाम कह रहे कोई भी नहीं है। स्कूल है, परसों आया था सौरभ भारद्वाज, कह रहा था स्कूल दिखाएंगे। गौरव भाटिया क्यों नहीं दिखाया इसने स्कूल जो 500 बने हैं? बने नहीं तो दिखाएगा। शराब वाले में 100% घोटाला है, 100% घोटाला है। आज तक कभी आपने देखा है कि 1+1 मिले, 1+2 मिले? जो आपका आप सौ रुपये की चीज़ 33 रुपये में दे रहे हैं, आप 100 रुपये की चीज़ 33 रुपये में दे रहे हैं, तो आप कैसे दे रहे हैं? आप या तो आउट ऑफ योर पॉकेट तो नहीं दे रहे ना, कहीं ना कहीं से तो आप निकाल के बांट रहे हो ताकि आपका वोट बैंक बचे। सर पब्लिक की उम्मीदें टूट गई, धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया दिल्ली वालों के साथ। बड़ी उम्मीदों से चुना था, 60, 62, 65 सीटें जी भर के समर्थन दिया, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि धोखा हो गया। कट्टर ईमानदार लोग ना एक स्कूल बना पाए, ना कॉलेज बना पाए, उसके बाद शराब नीति में घोटाला, मतलब शराब जैसी चीज़ जो कि प्रतिबंधित होनी चाहिए थी ज़्यादातर भारत में, उस पर घोटाले कर रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। देखिए, अब जनता को केजरीवाल की सच्चाई पता है और जो ये बोल रहे हैं जनता वो सही बोल रहे हैं। केजरीवाल ने तो कर ही दिया, आए थे कुछ नहीं लेने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन लेते लेते और करते करते वो जो जनता सोच नहीं पाई थी उससे कई गुना ज़्यादा वो ले चुके हैं और अभी तक ले ही रहे हैं। शिक्षा मॉडल लेके आए थे, शिक्षा में भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। लोगों को आपने अच्छी व्यवस्था देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य, आप लोगों को शराबी बना रहे हैं। ऐसी नीति, शराब नीति, मतलब एक के साथ एक फ्री।